हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रितेश यादव, स्पर्श वुमेन एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल नारनौल। आई एम एम डी पीडियाट्रिशियन की सबसे कॉमन और सबसे जो परेशान करने वाली कंप्लेंट्स जो माँ बाप लेके आते हैं, जी मेरा बच्चा बहुत रोता है, और ख़ासकर 15 दिन के बाद से 4 महीने की उम्र तक अक्सर बच्चे परेशान करते हैं, नाइट में कंटिन्यू रोते हैं, माँ बाप उनको लेके आते हैं कि सर ये चुप ही नहीं हो रहा। तो वो सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है कोलिक, पेट दर्द, जो कि बहुत परेशान करती है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे डिटेल में कि कोलिक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे उसको ठीक करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, माँ क्या डाइट खाए जो बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। तो कोलिक देखिए, यूजुअली 15 दिन के बाद में, क्योंकि बच्चों के अभी गट इतनी डेवलप नहीं होती है, तो एंजाइम्स डेफिशिएंसी होती है, बच्चे दूध पीते हैं उसकी वजह से बच्चों को गैस बनती है, जो आम लोगों को सबको बनती है, उसकी वजह से बच्चा का पेट में एक ब्लोटिंग, पेट फूलता है, जिसकी वजह से बच्चा क्राई करने लगता है। दूसरी चीज़ कैसे बन रही है, किस टाइम बन रही है, तो इसका पीक जो टाइम है वो दोपहर के बाद से नाइट के टाइम पे होता है। तो अक्सर यूजुअली बच्चे दोपहर के बाद ज़्यादा क्राई करते हैं और रात में ज़्यादा क्राई कर सकते हैं। अब हम क्या करें, तो इसके लिए 5 चीज़ें जो हमें खास ध्यान रखनी है कि हम किस तरह से, किन 5 चीज़ों की वजह से हम बच्चे को ये दर्द को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें बच्चे को जब भी दूध पिलाएं, बच्चे को कंधे पे लेना है, इस तरह से रखना है, उसका पेट आपके कंधे पे आना चाहिए, सर ऊपर होना चाहिए, पूरा सपोर्ट लग के, और उसको हल्के हाथ से बर्पिंग करानी चाहिए। जो बर्पिंग है वो बच्चा टाइम ले सकता है, उसमें बच्चा 5 मिनट में भी कर सकता है, कुछ बच्चे 15 मिनट से लेके आधा घंटा भी लेते हैं। तो प्लीज़ पेशेंस रखें, बहुत सारे माँ बाप 2 मिनट के लिए रखते हैं, सिर्फ सहलाते हैं, बच्चा बर्पिंग नहीं करता है और उसको लेटा देते हैं, उसकी वजह से बच्चा कंटिन्यू क्राई करता रहता है। सेकेंड स्टेप में बच्चे को लेटाएं प्रॉपरली, बच्चे को साइक्लिक मूवमेंट कराएं, बच्चे के पैरों को हल्के हाथ से बेंड करें, टमी तक लेके जाएं और हल्के हाथ से सीधा करें, ये है साइक्लिक मूवमेंट। इससे बच्चे के जो पेट है उस पर थोड़ा दबाव पड़ता है और जो गैस है वो पास हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है उसमें हम ये करते हैं कि बच्चे के पेट को एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है हल्के हाथ से, चाहे तो कपड़े के ऊपर से करें, चाहे बच्चे के कपड़े हटा के कोई ऑयल लेके आप एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं, जो कि 2 से 5 मिनट के लिए आप कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। चौथी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है टमी टाइम। अब टमी टाइम की जो बात है, टमी टाइम क्या करना है, बच्चे को माँ अपने पेट पे इस पोजिशन में लेटा सकते हैं, चेहरा एक तरफ कर सकते हैं जिससे बच्चे की सांस ना रुके, और ये चीज़ 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं और दिन में 3 से 4 बार आप करें। इससे जो बच्चे की जो स्पाइन है वो भी स्ट्रांग होती है और बच्चे के जो गैस होती है वो पास हो जाती है, तो बच्चे को रिलीव महसूस होता है। पांचवी चीज़, आप बच्चे को हींग जो आती है, या मम्मा अर्थ का, या एंटीकोलिक रोल, कोई भी जो आपके अवेलेबल हो, वो नाभि के पास में लगा सकते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब मदर को क्या डाइट दें, मदर को देखिए कोई भी स्पाइसी फूड मत दीजिए, मदर को बोलिए कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, मदर को अगर कोई आयरन की या कोई मेडिसिन चल रही हैं तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे को उसकी वजह से कोलिक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं कोलिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके ये चीज़ें फॉलो करके काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को संवित संगम। थैंक यू।